सो हे गाइस, अनबॉक्सिंग फॉर एवर की एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, यहाँ पे आज हमारे पास है पोको एक्स थ्री प्रो और ये डिवाइस गेमिंग डिवाइस है, आपको भी पता है। तो गेमिंग की बहुत सारी वीडियोज इस पर आनी है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे लास्ट वीडियो में अपन ने 60 FPS का टेस्ट किया था, उसके बाद में अपन ने इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, पबजी का गेमिंग फीचर्स की बात की थी। अब अपन इसका 90 FPS का टेस्ट करेंगे और इस वीडियो के बाद शायद सीधा BGMI का वीडियो आएगा, जब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आ जाएगा उसका टेस्ट करेंगे सीधा, और उस पर भी काफ़ी सारे वीडियोज बनाएंगे। अभी अपन इसका 90 FPS का टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा चलता है 90 FPS, मतलब कंटिन्यूसली 90 FPS मिलता है, फ्लक्चुएट करता है, कितना हीटिंग जाता है, वो चेक करेंगे। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एक्साइटेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, इस डिवाइस की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है पोको एक्स थ्री प्रो की, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपके पास ये डिवाइस है तो भी कर लेना, या अगर आप लेने वाले हो तो भी कर लेना, काफी हेल्पफुल प्लेलिस्ट है वो आपके लिए, तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो पे अपन 500 लाइक्स का एम रखते हैं, तो प्लीज इस छोटे से लाइक एम को कंप्लीट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। इस मंथ अपने 30,000 सब्सक्राइबर्स का एम रखा है चैनल पे, मैंने मतलब एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, आपने देखा होगा आई होप। तो 30,000 सब्सक्राइबर्स का एम है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो यार, मतलब सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। चलो अब फटाफट से अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस आपको रियल टाइम FPS पता चल जाएंगे, ये आप देख सकते हो, मतलब ये आपको यहाँ पे रियल टाइम FPS पता चल जाएंगे इस जगह पे। ये आप देख सकते हो रिफ्रेश रेट दिख रहा है, यहाँ पे आपको मतलब टेम्परेचर दिख रहा है, ये आपको FPS दिख रहे हैं ऊपर। इसको कट करते हैं, यहाँ पे मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले नॉर्मली ये अपन सेटिंग्स में चलते हैं, ग्राफिक सेटिंग्स में चलते हैं और इसे एक बार हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो स्मूथ में भी 90 मिल रहा है, बैलेंस्ड में भी 90 मिल रहा है, HD में भी मिल रहा है एंड HDR में भी मिल रहा है, और यहाँ पे मैंने अल्ट्रा HD डाउनलोड नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे अपन HD में करेंगे 90 FPS, मैं इसे ओके कर देता हूँ ओके। एंड यहाँ से आ जाते हैं अपन बैक, सबसे पहले अपन मतलब अपना गन गेम ही लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 88 FPS 90 FPS तक जा रहा है आराम से। अभी जो टेम्परेचर है वो 46 डिग्री है, यहाँ पे आप देख सकते हो 46.6 है, और ये टेम्परेचर मतलब फ़ोन का नहीं है, ये टेम्परेचर CPU का होगा ठीक है। एंड यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट दिख ही रहा है, 120 रिफ्रेश रेट है, और यहाँ पे आपको FPS मिल जाएंगे 68 FPS है जैसे कि आप देख सकते हो। इसके कारण मेरे को मतलब खेलने में प्रॉब्लम रहेगी यार, पर क्या ही कर सकते हैं, हम रियल टाइम दिखाना भी ज़रूरी है आपको, तो इसको थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं। एक बार वॉल्यूम बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 90 FPS कंटिन्यूसली तो रहता ही नहीं है, मतलब 77, 84 बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, मतलब लिटरली में बहुत ज़्यादा 90 FPS कंटिन्यूसली आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो 87, 80 एंड 76, 81, 80, मतलब फ्लक्चुएट काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे गाइस एक बार अपन हीटिंग की बात कर लेते हैं, एक अपन ने गन गेम खेला है, यहाँ पे अगर अपन हीटिंग का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ओवरऑल हीटिंग है वो 44 तक गया है अभी तक। ये जो हीटिंग होती है ये CPU का हीटिंग है, CPU का हीटिंग 52 है, और जो ओवरऑल हीटिंग आता है फोन का, क्योंकि इसमें लिक्विड कूलिंग है तो लिक्विड कूलिंग लगभग 10-12% टेम्परेचर को कवर कर लेता है, 10-12 ज़्यादा बता दिया लेकिन यहाँ पे 8% को कवर कर रहा है, 44 डिग्री टेम्परेचर हुआ है और CPU का टेम्परेचर 52 के आसपास चला गया है। CPU का टेम्परेचर अपने को ज़्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे लिक्विड कूलिंग है तो वो कंट्रोल कर लेता है सब कुछ और थोड़ा टेम्परेचर को डाउन कर देता है, इसलिए हमें यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है। अब अपन एक और गन गेम लगा लेते हैं। यहाँ पे गाइस आप FPS देख सकते हो 38 चल रहे हैं, 38 से अब देख लेना 83 चला गया सीधा, मतलब उल्टा हो गया, 38 का 83 हो गया और 86, तो फ्लक्चुएट काफी करता है और मेरे हिसाब से फ्लक्चुएट करना यार ज्यादा बेटर नहीं है। गाइस पोको वाले जब तक ये अपडेट नहीं देते हैं, जब तक मतलब इसमें 90 FPS नहीं डालते हैं, तब तक इसका परफॉर्मेंस मतलब थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, ऐसे आप आराम से 100% यूज कर सकते हो। मेरे को बंदा नहीं दिख रहा है यार इसके कारण।
सो गाइस यहाँ पे अपन टेम्परेचर देख लेते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो 44 से 45.5 तक चला गया, मतलब 46 मान सकते हैं एक बार अपन राउंड फिगर में, तो 46 चला गया दो गेम प्ले के बाद। जो FPS थे वो आपको पता ही थे, मतलब फ्लक्चुएट कर रहे थे 70 से 60, मतलब 60 70 80 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे थे, मतलब 80 भी कंटिन्यूसली नहीं मिल रहा है हमें, तो फ्लक्चुएट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यार। तो गाइस यहाँ पे जो FPS है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मेरे को अच्छा लगता है कि मतलब आप जब भी 90 FPS कॉन्फ्लिक्ट डाल देते हो उसके बाद में 90 FPS इनेबल होने के बाद क्या होता है कि जो रिफ्रेश रेट है वो भी आपकी 120 और 90 पे चलने लगती है। नॉर्मली अगर आप मतलब ऐसे गेम प्ले करते हो 60 FPS पे तो जो आपका रिफ्रेश रेट होता है वो 60 FPS पे ही चलता है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने रिफ्रेश रेट चालू कर रखा था लेकिन यहाँ पे लोगों ने समझा कि वो FPS है, लेकिन अगर आप नॉर्मल एक्सट्रीम पे खेलोगे तो आपका रिफ्रेश रेट रहेगा 60, ठीक है 60 रिफ्रेश रेट मजा नहीं आता है। और अगर आप कॉन्फ्लिक्ट डाल के 90 FPS की सेटिंग को इनेबल कर लेते हो तो इससे क्या होता है कि जो रिफ्रेश रेट होता है वो मतलब अनलॉक हो जाता है और वो 90 और 120 हर्ट्ज़ पे काम करने लगता है, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, उससे स्मूथनेस बढ़ता है, मतलब जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे सच्चे बताऊँ ना तो मैं 120 हर्ट्ज़ पे नहीं खेलता हूँ, मैं नॉर्मली 60 हर्ट्ज़ पे खेलता हूँ, और अब मैं मतलब 90 हर्ट्ज़ पे खेल रहा हूँ, मतलब 90-120 हर्ट्ज़ पे खेल रहा हूँ, 90 FPS का गेम प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे को स्मूथनेस फील हो रहा है, मतलब टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी फास्ट हो रहा है, तो ये चीज़ मेरे को पॉजिटिव लगता है, मतलब 90 FPS सेटिंग्स को अनलॉक करने का ये पॉजिटिव पार्ट है। अभी अपन एक TDM खेलते हैं और उसके बाद में देखते हैं क्या सेटिंग्स, मतलब कितना टेम्परेचर जाता है। और गाइस यहाँ पे लास्ट TDM में देखते हैं लैग वगैरह कोई होता है क्या, क्योंकि मेरे को अभी तक कोई लैग और मतलब फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला। फ्रेम ड्रॉप हो जाते हैं छोटे मोटे, बहुत कम होते हैं लेकिन होते जरूर है, पर FPS काफ़ी फ्लक्चुएट होता है, वो मतलब वो आप एक्सपेक्टेशन मत रखना ज़्यादा कि FPS आपको कंटिन्यूसली मिलेंगे, FPS काफ़ी फ्लक्चुएट होंगे, तो वो नॉर्मल सी चीज़ आएगी। यहाँ पे अपन HDR पे खेलते हैं इस बार। ओके भाई लैग हुआ सच्ची लैग हुआ। यहाँ पे FPS आप देख सकते हो 73 एंड 75 कुछ इस तरह से चल रहे हैं, यहाँ से लैग हुआ था ये एक बार कंफर्म। यहाँ पे गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, HDR में हमें थोड़े लैग ज़्यादा मिल रहे हैं, ये चीज़ मतलब मैंने अभी नोटिस किया, मतलब इससे पहले मैंने नहीं नोटिस किया था, HDR में लैग थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, HD में इतना नहीं हो रहा था। आपके भाई के 16 किल 8 असिस्ट। अभी अपन आते हैं बैक सीधा और यहाँ पे टेम्परेचर चेक करते हैं फटाफट से, और बैटरी में आ जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर 46.7 तक चला गया, राउंड फिगर अपन 47 मानते हैं, लेकिन 90 FPS काफ़ी अच्छा वर्क करता है, मतलब फ्लक्चुएट काफ़ी ज़्यादा होता है, कंटिन्यूसली आपको 90 FPS नहीं मिलेंगे, कंटिन्यूसली आपको 90 FPS तभी मिलेंगे जब पोको वाले खुद से देंगे, और मतलब पोको वाले और पबजी वाले देंगे तभी मिलेंगे, अभी ये स्टेबल नहीं है, अभी आप मतलब कॉन्फ्लिक्ट डाल के कर सकते हो लेकिन कंटिन्यूसली नहीं मिलेगा आपको। इसका एक एडवांटेज मुझे ये लगता है कि इससे आपका स्मूथनेस बढ़ जाता है, टच रिस्पॉन्स रेट होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि देखो ये 60 हर्ट्ज पे वर्क करता है नॉर्मली अगर आप PUBG एक्सट्रीम पे खेलते हो तो, और अगर आप इसकी सेटिंग्स को 90 FPS पे कर लेते हो तो फिर ये 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज पे वर्क करता है, तो स्मूथनेस बढ़ जाता है उसके कारण, तो वो चीज मैंने एक नोटिस की, वही मेरा एडवांटेज रहेगा इसमें। बाकी मतलब ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, थोड़े बहुत ड्रॉप्स मिले, थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स थे, थोड़े बहुत लैग थे, और इन फ्यूचर में भी पोको वाले दे तो मजा आ जाएगा। BGMI के भी काफी सारे वीडियोस आएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, 500 लाइक्स का एम है, और अपना इस साल का 1,00,000 का एम है, और इस मंथ का 30,000 का एम है, तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर देना यार, और मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो @RAGHAVATI। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय।